में डाटा का संचय या स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के भीतर सूचना या डाटा का संचय एवं अनंतरण इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पुर्जों द्वारा किया जाता है, जिनमें प्रमुख है रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी, कैपेसिटर, रजिस्टर इत्यादि, जिन्हें इलेक्ट्रिकल पद में उपयोग लाया जाता है। रजिस्टर ट्रांसिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट में स्विच की प्रक्रिया होती है, अर्थात किसी परिस्थिति विशेष में वे ऑन रहते हैं एवं किसी अन्य परिस्थिति में ऑफ। ये दोनों परिस्थिति इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की अनुपस्थिति या उपस्थिति भी निश्चित करती है। इनके आधार पर दो अंक निश्चित किए जा सकते हैं। यदि वोल्टेज की उपस्थिति को ऑफ माना जाए एवं अंक को शून्य, तो वोल्टेज की उपस्थिति को ऑन एवं अंक को एक मानेंगे तो ऑफ। इन दो अंकों में शून्य, एक और एक के आधार पर ही कंप्यूटर सारी गणना करता है। इस प्रणाली को द्वि अंकीय या बाइनरी प्रणाली कहते हैं। जिस प्रकार हम दैनिक जीवन में दशमलव प्रणाली को सामान्य प्रयोग में लाते हैं एवं 10 अंकों की सहायता से समस्त गणना करते हैं, जैसे 0 to 9, उसी आधार पर द्वितीय द्वि अंकीय प्रणाली से भी बड़ी से बड़ी संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग अत्यंत आसानी से किए जा सकते हैं। जिस प्रकार हम एक अंक की संख्या को इकाई के अंक कहते हैं, उसी प्रकार बाइनरी सिस्टम में एक अंक को बिट कहते हैं, और जो अंग्रेजी के दो शब्दों बाइनरी डिजिट को मिलाकर बना है। इस तरह यदि किसी बाइनरी संख्या में 5 अंक होते हैं तो हम उसे 5 बिट की संख्या कहते हैं, 6 अंकों की संख्या को 6 बिट कहते हैं, 8 बिट की संख्या को बाइट कहा जाता है। जैसे 6 संख्याएं की 6 बिट की संख्या है जी, 8 बिट की संख्या का 1 बाइट है।